सऊदी हुकूमत आले सऊद। अजीजान मोहतरम, जैसा कि अभी आप जनाब मौलाना बाखर जैदी साहब को समाअत फरमा रहे थे, जैसे उन्होंने बात कही, क्योंकि यहाँ के ऊपर हमारे मीडिया के लोग भी हैं, एलआईयू से लोग भी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे भी हैं। आज से 1400 साल पहले जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता यजीद के लश्कर वालों ने रोका, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले एक बात कही थी कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, जहाँ मुसलमान तो नहीं मगर इंसान रहते हैं। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले हिंदुस्तान को याद किया था। आज उसी हिंदुस्तान से जो इसमें हर मजाहिब के लोग रहते हैं, उस हिंदुस्तान से आवाज़ उठ रही है कि हज़रत मोहम्मद साहब की बेटी की कब्र धूप में है, उसको पर मज़ारात की तामीर की जाए। मैं हमारे तमाम पूरे हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त यहाँ जमा है, जो आपकी बात को पूरी दुनिया में पहुँचाता है। हमारे एहतजाज का यहाँ के ऊपर मकसद यही है। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, यूपी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें यहाँ शहीद स्मारक के ऊपर एहतजाज की परमिशन देते हैं। जबकि यहाँ आप जानते हैं साल में सिर्फ एक बार एहतजाज होता है 8 शव्वाल को, और ये शहीद स्मारक जगह मुंतखब हो गई है जनाब फातिमा जहरा के रोज़े की तामीर से। आप दुआ कीजिए कि इसी साल इंशाअल्लाह सऊदी हुकूमत नेस्तो नाबूद हो, और जब हम साल आइंदा जमा हों तो हम एहतजाज करने के लिए ना जमा हों, हम जश्न मनाने के लिए जमा हों। लिहाजा अब मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब रजा करबलाई साहब से कि वो आएँ और शोरा की नुमाइंदगी करते हुए कुछ इशार पढ़ें।